हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तिवारी एंटरप्राइज वंस अगेन। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली है वो रहेगी नेक्सॉन XE वेरिएंट रहेगा, बेस वेरिएंट रहेगा। बाकी जो गाड़ी में अभी काम स्टार्ट हो चुका है वो रहेगा इसके फ्रंट पार्ट पे हॉर्न पे। भैया अभी फॉग लैंप्स नहीं लगवा रहे, वो बाद में लगवाएंगे। बाकी इंटीरियर पार्ट में आप चलेंगे तो भैया गाड़ी में काम अभी चल रहा है इसके ऑडियो सेटअप पे, सेंटर लॉक्स पे, बेस पे दो लगा रहे भैया फोकल के कंपोनेंट। आगे पीछे दोनों रहेगा हमारा फोकल के कंपोनेंट्स, डैप्स का एंड्रॉइड, आरडी का सेंटर लॉक, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, जेन्युइन टाटा पावर विंडो का हमारा काम चलेगा, पूरा प्रॉपरली रहेगा भैया। डैप्स की डैम्पिंग रहने वाली है इस गाड़ी के। हम इसके जो पार्ट्स रहने वाले वो सारे टाटा यूज करने वाले, जैसे आप देखेंगे रियर फॉग लैंप रहेगा, बूट लाइट रहेगा, लाइटर रहेगा, पावर विंडो के सारे पार्ट्स रहेंगे। इवन जो भैया ने इसके अंदर जो मोटर लगती है वो भी टाटा जेन्युइन ही ली है, आरडी या टॉर्की नहीं लगवाई है, वो भी टाटा जेन्युइन ही रहेगी। बाकी अगर काम होने देते काम होने मैं आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर डैम्पिंग होगी अभी यहाँ पे, ये सब सीट हटेगा भैया, ये सब हट जाएगा यहाँ पे, फिर लगेगी डैम्पिंग। अभी अभी जो गाड़ी में काम चला भी है इसके पावर विंडोज पे रहने वाला है नेक्सॉन के अंदर अपने, आप देखिए प्रॉपरली डैम्पिंग हो चुकी है इनर पार्ट में, आउटर पार्ट में भी डैम्पिंग होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ भैया, मैंने आपको बताया था हमने इसके अंदर लगाया टाटा जेन्युइन इसके कैची और मोटर, ये रहती है जो गाड़ी से निकली है भैया। आप देखें कहीं पर यहाँ पर टाटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्ट नंबर मिलेगा, ये पार्ट नंबर रहने वाला है टाटा जेन्युइन कैची के अंदर, यहाँ पे कहीं टाटा लिखा हुआ नहीं मिलता अपने को। सेम जो हम इसको रिप्लेस करके जो ये लगाने वाले हैं इसमें भी कहीं आपको टाटा लिखा नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट नंबर ही मिलने वाला है। ये जेन्युइन टाटा का पार्ट नंबर रहेगा 5438735001, ये जेन्युइन टाटा कैची की पार्ट नंबर रहेगा। बाकी जो इसका मोटर रहता है इस पर ये लिखा हुआ आता है इंटेवा, ये लिखा हुआ आएगा। ये अभी हम पावर विंडोज पे काम चल रहा है हमारा, पावर विंडोज लगाने देते हैं। बाकी इंटीरियर पार्ट में आप देखेंगे सीट को लग चुका है, मैं सारा आपको काम दिखाऊंगा कंप्लीट होने के बाद। ऑडियो सेटअप पे काम चल रहा है, पूरा कंप्लीशन के बाद एक बार काम दिखाऊंगा। गाड़ी का ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, गाड़ी सिर्फ पैकिंग के मोड पे चल रही है। आप देखेंगे उस डोर में हमारा डैम्पिंग भैया कंप्लीट करके डोर ऑटोमेटिकली क्लोज करते जा रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो पावर विंडो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, या देखिए चारों डोर वाला पावर विंडो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ शीशा नीचे, ये तो पहले भी चल रहा था, मैं आपको बैक डोर वाला दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ से बंद कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर कर रहा हूँ तो टाटा जेन्युइन मोटर के अंदर ऊपर जा रहा है। मेन जो चीज़ रहेगा भैया वो इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ है वो इसकी वायरिंग। हम ऐसे वायरिंग इसको प्रॉपरली कपलर टू कपलर बना के देते हैं, अब ये देखेंगे तो ये इसका कपलर बनाया गया है, प्रॉपर कपलर को प्रॉपर टेपिंग मार के रखा गया है, कोई उधेरा वायरिंग नहीं है, कुछ नहीं किया भैया यहाँ पे सामने पूरे टाइम खड़े थे। प्रॉपर कपलर बना के इसको पिनअप करके दिया गया है, ये देखेंगे आप इसकी वायरिंग, प्रॉपर कपलर टू कपलर काम जो होता है उसको कहते हैं भैया। बाकी एक बार लगने देते हैं, मैं आपको पूरे काम और दिखाता हूँ कंप्लीशन के बाद। यहाँ की भी पावर विंडो की ऑलमोस्ट वायरिंग हो चुकी है, आप देखेंगे प्रॉपर वायरिंग एवरीवेयर, हर जगह आपको वायरिंग दिखाई देगी। हमारी नेक्सॉन XE वेरिएंट जो है पूरी तैयार हो चुकी है। फ्रंट साइड से पहले बात करेंगे तो इसको गाड़ी में काम होता है इसके हॉर्न पे होता है, भैया ने सारा काम फ्रंट से अभी नहीं करवाया। हॉर्न बजाइए, हो ये क्रेटा साउंड हॉर्न रहने वाला है जो हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किया था, बिल्कुल कपलर टू कपलर किया था। बाकी फ्रंट साइड से यही काम रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी का इंटीरियर पार्ट जो कि मेन काम होगा गाड़ी के इंटीरियर में। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पार्ट में। सबसे पहले जो गाड़ी में काम होता है इसके रहेगा सीट कवर पे, जो कि आप ये फिनिशिंग देख पाएंगे लाइट ग्रे जो कि टॉप मॉडल ब्लैक की फिनिशिंग के अंदर आप सीट कवर देखेंगे। अगेन भैया लेदर लाइट रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट लेदर जिसकी होती है लाइफ टाइम की गारंटी। बाकी बैक साइड से आपको दिखा दूँ सीट कवर की कुछ फिनिशिंग रहने वाली है, प्रॉपरली आपको मिलेगा हर जगह डबल स्टिचिंग। बाकी ब्लैक की ये आपको लाइनिंग बहुत प्यारा लग रहा है भैया लगने के बाद, सीट कवर जिसकी फिनिशिंग कुछ रहेगी प्रॉपरली नेक्सॉन की बेजिंग मिलने वाली है यहाँ पे आपको। टॉप मॉडल नेक्सॉन का सीट को, इसकी कॉस्टिंग अगेन मैं पहले बता दूंगा 6500 रहती है टॉप वेरिएंट के अंदर, सो सबसे टॉप क्वालिटी की सीट को रहते हैं वो रहेगा 6500 रुपीज़ के अंदर। अगर किसी भी अगर सस्ते में लगाना, सस्ते में भी लगेगा, प्रॉपरली बकट रहने वाला है, आप यहाँ से देखेंगे इसकी फिटिंग फुल बकट रहने वाला है, प्रॉपर फोमिंग करके दी गई है भैया को। साथ जो गाड़ी में काम होता है इसकी फ्लोरिंग मैटिंग पर रहने वाला है, जिसकी फिनिशिंग कुछ यहाँ पर देखेंगे आप। इसकी जो कॉस्टिंग होती है स्टार्टिंग में 1200 से जाती है, बाकी एंडिंग 2800-3000 तक जाती है। उसके ऊपर भी रहने वाला भैया 70 मैट, जिसकी कुछ क्वालिटी ये रहने वाली है, प्रॉपर 70 रहेगा नेक्सॉन के। इसी तरह आपको सस्ता और हैवी दोनों मिल जाएगा। बाकी ये प्रॉपर कवर देखेगा आपको पूरा एरिया गाड़ी के इंटीरियर पार्ट में भैया, सीट कवर फ्लोरिंग 70 के अलावा जो काम होता है इसके IRVM पे रहने वाला, जो कि रहेगा जेन्युइन टाटा का भी IRVM हमारा रहने वाला। अब ये देखेंगे ऑटो डिमिनिशिंग वाला होता है, ये इसकी फंक्शनिंग देखेंगे जेन्युइन टाटा का रहता है। इसकी कॉस्टिंग भैया 800 होती है जेन्युइन टाटा की IRVM की। इसके अलावा बात करते हैं भैया हमारे स्टीयरिंग कवर की, जो कि OEM स्टीयरिंग कवर रहेगा, इसकी कॉस्टिंग 800 होती है स्टीयरिंग कवर की भी, प्रॉपर भैया OEM स्टीयरिंग कवर रहने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि जेन्युइन टाटा रहता है, इसकी कॉस्टिंग 3300 रहती है, प्रॉपर वर्किंग रहेगा भैया, वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज म्यूट आप देखेंगे प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज
ये पियानो ब्लैक वाला रहेगा। अगर भैया को ये सिंगल साइड है, अगर किसी को डबल साइड चाहिए डबल साइड भी अवेलेबल है, किसी को मैट ब्लैक चाहिए मैट ब्लैक भी अवेलेबल है। कॉस्टिंग मैं आपको बताता रहता हूँ, 3300 की हमारी स्टीयरिंग कंट्रोल की कॉस्टिंग पड़ती है जेन्युइन टाटा की। इसकी ये फिनिशिंग रहेगी, कोई पुराना पीस नहीं मिलेगा, बिल्कुल सील्ड पैक पीस मिलने वाला भैया। नेक्स्ट फोन का बेस में आपको बताया, कंपनी सिस्टम भी नहीं देती, पूरा बेस देती है। हमने इसके अंदर रहता है एंड्रॉइड सिस्टम जो कि रहेगा 2GB 32GB के अंदर विद DVR मॉडल। अगर कस्टमर को इसके अंदर फ्रंट कैमरा विद रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसी में आपका चल जाता है यहाँ से करने पे, लेकिन मैंने अभी फ्रंट कैमरा नहीं लगाया इसे नहीं चलेगा। ये रहता है अभी हमारे DVR मॉडल की फंक्शनिंग। बाकी रिवर्स कैमरे की मैं आपको क्वालिटी चेक करा देता हूँ, तो ये रहेगा भैया रिवर्स कैमरे की क्वालिटी। अगर आप देख पाएंगे प्रॉपर नाइट विजन मूविंग कैमरा रहेगा सबसे A1 क्वालिटी के साथ। साथ में भैया लगाया भैया दोनों कंपोनेंट्स, फोकल के कंपोनेंट लगाए भैया ने, क्वालिटी A1 आ रही है साउंड की। मैं साउंड स्किप करूंगा क्योंकि हम पहले भी सुना चुके हैं गाड़ी के अंदर आपको। सबसे मेन जो गाड़ी में काम होता भी है इसके पावर विंडोज पे रहने वाला, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये कपलर टू कपलर काम हुआ था आपको, मैं पहले भी कपलर दिखा चुका हूँ इसका। बाकी मैं उसको फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। अगर हम पीछे से पावर विंडो को कंट्रोल करते हैं, पीछे से मैं इसकी फंक्शन दिखाता हूँ, आगे से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये रहेगा भैया हमारा। बाकी मैं एक बार फिर से आपको पीछे से भी इसकी कंट्रोल दिखा देता हूँ। शीशा नीचे जा रहा है, ये हमारा शीशा ऊपर जा रहा है। जेन्युइन टाटा के मोटर्स एंड कैसी के अंदर ये फंक्शन नहीं रहेगी भैया। बाकी प्रॉपर कपलर टू कपलर पावर विंडो रहने वाला है। इसकी कॉस्टिंग मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सेम कॉस्टिंग अभी भी आ रही है। साथ में जो गाड़ी में काम होता है इसके स्कर्फ प्लेट रहने वाला है, जो कि आप ये देखेंगे नेक्सॉन की बेजिंग के साथ इसका स्कर्फ प्लेट रहने वाला है। गाड़ी का बैक साइड से कुछ ये लुक रहने वाला है। सबसे पहले गाड़ी में काम होता है इसके रियर फॉग लैंप्स रहेगा जो जेन्युइन टाटा रहने वाला है। साथ में इसका रियर रिफ्लेक्टर रहेगा, ये ब्रेक पे लाइट रहने वाली है। सभी इंडिकेटर दियो, ये इंडिकेटर पे स्कैनिंग में रिफ्लेक्टर रहने वाला है भैया। साथ में जो गाड़ी में काम होता है इसका ग्लव बॉक्स है, लाइट पे भी होता है। इसका प्रॉपर कनेक्शन ग्लव बॉक्स से दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ग्लव बॉक्स बंद होता है तो लाइट बंद हो जाती है, अगर जलता है तो जल जाती है। ये वीडियो देखे तो हमारे सेम काम इसके बूट में भी हुआ है, बूट लैंप भी लगाया हमने इसके अंदर, वो भी जेन्युइन टाटा का ही लगाया गया है भैया। बूट का कनेक्शन भी अगेन प्रॉपर बूट से, सभी डिक्की खोलियो, बूट का कनेक्शन प्रॉपर बूट से किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जेन्युइन टाटा की बूट लाइट, अगर मैं बूट लाइट बूट बंद कर दे तो लाइट भी इसकी क्लोज हो जाती है। साथ में भी हमने लगाया जेन्युइन टाटा पार्सल ट्रे, जिसकी बेजिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी जेन्युइन टाटा की। आपको बताया भैया नेक्सॉन के बेस सीरीज में चाबी हमारी बिल्कुल मैनुअल आती है। हमने भैया को बनवा के दी फिलिपी, जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाली है, जिसकी फिनिशिंग आप ये देख पाएंगे जेन्युइन टाटा की फिलिपी की। यहाँ से आपकी गाड़ी आप प्रॉपरली लॉक कर दे, गाड़ी प्रॉपरली लॉक हो जाती है। अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो गाड़ी प्रॉपरली हमारी अनलॉक हो जाती है भैया। साथ में भैया को चाबी और ये सेंसर जो है ये भी कॉपी करवा के दी, क्योंकि भैया ने अपनी ओरिजिनल चाबी और ओरिजिनल सेंसर ऑल्टर नहीं करवाया गया है। भैया को दिखाना चाबी का गुच्छा, ये देखिए भैया जो गाड़ी की कंपनी के साथ चाबी आई थी, आप देखेंगे 1, 2 और इसकी ये वाली जो देती है कंपनी आ गया। ये रहेगी भी हमारी तीसरी जो कंपनी खाली खोलने के लिए देती है। बेसिकली कंपनी वैसे इसको फ्लिप के लिए देती है, लेकिन मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है, तो हर चीज़ भैया की कॉपी लगाई है हमने, जैसे चाबी हो गई, सेंसर, तीनों चीज़ कॉपी बन के लगी है विदाउट ऑल्टर एनीथिंग। जो गाड़ी का हमारे ऑनर है भैया, क्या नाम है अपना? सूरज। गाड़ी कहाँ की थी पहले तो? कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्टिंग आई, कैसा काम रहा, जो भी आपने देखा वो सब मिला या नहीं मिला? कितनी कॉस्टिंग आ गई आपकी? 70 के आसपास। कितना टाइम लग गया? लग गया लंच से रात हो गई है ना भैया। बाकी जो आपने चीज देखा था वीडियोस में देखा था, जो आपने चीज कोई दिक्कत तो नहीं भैया? काम में सेटिस्फेक्शन आई नहीं है? काम कपलर टू कपलर हुआ नहीं हुआ? तो आपको कोई वायरिंग तो कटिंग नहीं हुई, आप खड़े थे वहाँ पे सब चीज में? इसी में खुद खड़े होकर देखा है, ऐसा कुछ कटिंग वगैरह है नहीं, कपलर टू कपलर का सारा। ठीक है, अगर आपको गाड़ी का काम अच्छा लगा तो अगर आपको अपनी गाड़ी में भी सेम काम कराना तो हमारी शॉप तिवारी का एसेसरीज करा सकते हो, जो कि अभी करोलबाग MCD पार्किंग के सामने। अगर आपको काम अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की वॉच कीप सब्सक्राइब।